गाय लोग कितना बात मानते हैं अंकर। कमेंट करके बताना दोस्तों, मतलब मेरा भांजी सुंदर है कि बदसूरत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, एकदम सुबह के ताज़ा धूप के साथ। तो दोस्तों मतलब आज एकदम बहुत ही अच्छा धूप दे रहे हैं ना। तो दोस्तों मतलब कर का जो वीडियो था आप लोगों ने देखा, हम लोग कैसे मतलब जंगल सफ़ा किए, अदरक का बारी जाके कैसे सफ़ा किए, कितना तकलीफ हुआ था, और सफ़ा करने के लिए आधा भी बच गया ना। सफ़ा करने के लिए आधा भी बच गया, और वैसे मतलब आज भी हम लोग सफ़ा करने वाला था तो, लेकिन मतलब एक तो हमारा एक दीदी है, उसने मतलब मदद मांगा है हम लोग से, मतलब आदमी उसको चाहिए हो रहा था कि मतलब अदरक लगाने में आदमी चाहिए होता है, तो इसलिए हम दोनों को भी मदद मतलब करने जाएगा, मतलब दीदी का मदद करने जाएगा हम दोनों। बस आज वही हम दोनों जाके अदरक लगाएगा, और आज का दिन हम दोनों का नहीं कर पाएगा। तो कैसे अदरक लगाना है आप लोग देखते हैं, कैसे लगाते हैं आप लोग को हम दोनों दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं खेती बाड़ी, अदरक बाड़ी, अदरक लगाने, और हम लोग आज बहुत आदमी हम लोग आज लगाएगा अदरक। और ये रहा मेरा दीदी का आज हम लोग मदद करने आए हैं, और देख सकते हैं खेती कितना बड़ा है, हम लोग से ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो आज तो। ऐसा लगाना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है अदरक को, तब जाके सुंदर सा उगता है। तो कितना है पाम होता है, मैं बहुत इतना बड़ा। तो शुरू हो जाओ बच्चों, शुरू हो जाओ। अया ठीक से मेहनत करो दोली, आज बोनी लगाओ बोनी ठीक से लगाओ आज। और ये रहा मेरा भांजी। दोस्तों मतलब कल पूरा जंगल काट के पूरा कमर दर्द दे रहा है अभी, आज तो ऐसे भी पूरा झुक के काम करना होता है, या तो खड़ा करके या तो बैठ के। अया भगवान ना, इतना बड़ा अदरक बागान। तो शुरू करते हैं, कब ख़त्म होगा देखा जाएगा। कितना सारा बीजन तोड़ के रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक टू दो बस्ता पूरा तीन पूरा, और ये कितना सारा यहाँ पर तोड़ के रखा हुआ है। और ये आज का दिन पूरा ख़त्म करने का हम लोग को कोशिश करना है। सब लोग अभी शुरू कर रहे लगाने के लिए, दो थू तीन थू लाइन लेके लगाओ ना, एक ही लाइन में सब लोग लगाएंगे तो कहाँ होगा। तो आप नहीं बिठाएगा, बिठाएगा ना, बिठाए आओ दोले, यहाँ रहो, यहाँ से शुरू करेगा आओ। वैसे तो आज का दिन होली का दिन है, और हम लोग दोस्तों मिट्टी के साथ होली खेल रहे हैं, क्या बोलेगा बहनी, तुम तो बहुत खतरा काम करते रहे बहनी। हाँ यार, और बीजन लेने के लिए कितना दूर जाना पड़े वो बहुत तकलीफ़ है। आप तो इतना दूर से अकेला लाइन लेके आ रहे हैं, क्या किया जाए। हमको छोड़ के चला गया आंटी के, तो पूरा शक्कर भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ढाक के रखा हुआ है। अरे वाह बहुत सुंदर है आंटी देखे। आया अभी हमको फिर से वहाँ से लेना पड़ेगा पूरा दूर से। तो सबसे पहले YouTube देखने वाला को नमस्ते। अरे वाह, मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगी स्कूल बच्चा को ना, जब स्कूल का वैकेशन होता है तो आप लोग घर में आइए और खेती कीजिए। देखिए आप लोग ऐसे सोते रहेगा, मोबाइल किटी किटी करते रहेगा, कुछ काम नहीं बनेगा, आप लोग का बदन भी और लेजी होगा, बीमार हजार होगा। तो इससे माँ पिताजी जैसे खेती करता है उसके पीछे पीछे आइए, खेती कीजिए। इसके बाद बाय, इतना ही इन्फॉर्मेशन। वाह सुना ना, भांजी मेरा भांजी की तरह काम करो, जब वेकेशन उनसे मेरा भांजी का भी वेकेशन हो गया, हम लोग का मदद करने आ गया। हाँ आया। और दोस्तों देखिए धोली, होली है पै, होली है, बुरा ना मानो, धोली होली है। अरे बहनी यहाँ दिखाओ ना, चेहरा दिखाओ, बहुत शर्म करते दीदी। इतना बड़ा खेती कब खत्म होगा। हाँ आज हम लोग दीदी का मदद कर रहे हैं, और कल दीदी हम लोग का मदद करेगा। ये दीदी लोग पूरा बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं खेती वेती। देखे ये साइड भी पूरा कड्डू खेती बना के रखा हुआ है। अरे क्या बोलेगा, आदमी जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है वैसे तो, ये मतलब अदरक लगाते समय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गड्ढा होता है, तो मतलब आदमी जितना ज़्यादा से मतलब एक आदमी से तीन चार लाइन ले सकता है, और थोड़ा जल्द भी हो जाता है, और बीजन भी मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है।
जितना आदमी ज़्यादा उतना काम जल्दी। आदमी लोग का एक बहाना होता है, मतलब हम लोग वीडियो करने से बस कहते हैं कि वीडियो कर रहे, काम नहीं कर रहे। वीडियो जो है कर करके काम करते हैं हम, क्या करेगा व्लॉग बनाने। तो सब लोग लाइन भी है दोस्तों, देखिए कितना अच्छे से काम कर रहे हैं सब लोग। यहाँ से अभी हम बनाएगा, यहाँ तरफ हम लगाएगा अभी। इसे धूप से बचने के लिए ये देखो मेरा बहन, पूरा आधा दिन हो गया दोस्तों अभी, और बहुत ख़राब से गर्म भी लग रहा है, और काफ़ी आधा तो कर लिया कम से कम, इतना दूर से था और अभी और भी इतना दूर है। काफ़ी बड़ा हम लोगों ने मतलब भर्ती कर लिया, लगा लगा के ख़त्म कर लिया आधा तक, और अभी पूरा आधा तो बचा हुआ है अभी भी। और यहाँ पूरा आंटी लोग थक गया, बहुत ख़राब से थक गया, पानी नहीं है, पानी भी ख़त्म हो गया दोस्तों। अरे आया, इतना कम से कम छाया में बैठना चाहिए, इतना धूप में ही बैठ रहे फिर। वही नहीं है, छाया नहीं है। अरे डोली ले, रेस कर लो, रेस आओ। दोस्तों क्या बताऊँ, इतना थक गया फिर भी डोली थोड़ा सा बिजन बजाए, उसको ख़त्म करके रेस करेगा। इतना कड़ा धूप, और वहाँ पे बिना मतलब छाया में रुक रहे, और डोली हम दोनों कम से कम भी मतलब ये थोड़ा सा घास वास का वजह से थोड़ा छाया मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हम दोनों रेस कर रहे हैं ना। और अभी 12:30 हो गया ठीक है, बहुत गर्म लगते हो, क्या पड़ेगा दोस्तों, इतना गर्म है, अभी फटाफट गांव जाना पड़ेगा। गांव में थोड़ा मतलब थोड़ा सा ठंडा होता है कम से कम, जितना भी गर्म होने से, यहाँ का जैसे इतना गर्म मौसम नहीं होता है। देखो कितना तगड़ा है, हम लोग का बहन ऐसे काम करते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग ऐसे तो काम करना है लेकिन बहुत शर्म कर रहे हैं। बहुत गर्म है यार दोस्तों, क्या बताऊं, पूरा मथा चकराने हो गया। मेरा सुंदर भांजी को कौन पसंद करेगा, वो मत देगा तो काम कर रहे ना, काम बाद में हमको एक तो मिथुन चाहिए भांजे, नहीं पता कौन पसंद करेगा, हम लोग आदमी खराब लोगों तो कोई पसंद करते ही नहीं। आई, दिल में लग गया यार भांजी, कोई पसंद करेगा तो क्यों नहीं दे देगा दिल में लगा रहे ये बात ये रहा मेरा प्यारा भांजी, बहुत मेहनत ही करता है जो, और ये रहा मेरा डोली, हाँ फिलहाल थोड़ा कुछ मेहनत कर रहा है ना डोली, इधर देखो। हाँ गलो, पपीता खाने के लिए कोशिश किया तो पपीता तो एकदम बेकार टेस्ट है मतलब इसका, क्योंकि मतलब ये जो पका है और बहुत दिन हफ्ता हो गया रखा हुआ है, और मतलब कुछ वह नेपाली लोग का वहाँ से ले गया था ये पपीता भांजी ने, तो थोड़ा भी टेस्ट लेस है, मतलब थोड़ा भी टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है, बहुत देर हो गया तो इसलिए अभी मैं वो जो पपीता पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे कुछ है क्या नहीं है देख के आता हूँ। दोस्तों देखिए एक तो कोई गिरा रहा था लेकिन दो दो गिर गया, तो चलो अच्छा बात है, ले जाता हूँ। दोस्तों फाइनली कच्चा पपीता तोड़ लिया, और भूख भी लग रहा है तो मतलब कम से कम भी इसको कच्चा खाएगा। नमक उनसे ठीक था इसको खाने के लिए, नमक मिर्चा। हाँ दोस्तों देखिए काटा है तो कितना कच्चा है,
और कम से कम मतलब उससे तो अच्छा है खाने के लिए, भले कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होगा, मीठा टीठा कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन खाने के लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा है। वो तो कैसा अजीब टेस्ट आ रहा था, हाँ थोड़ा तो मीठा है, थोड़ा तो कच्चा पपीता कौन कौन खाएगा, आओ काट के खा लो यहाँ। अरे क्या करते भांजे, मेरा बसवात को सबको दिखाना चाहता है क्या? कौन दोस्तों कमेंट करके बताइए, बसुरा रे मेरा भांजी है, ना सुंदर भांजी है मेरा, मत कर इस तरह बने तो इसका ऊपर रखो। कमेंट करके बताना दोस्तों, मतलब मेरा भांजी सुंदर है कि बसुरा रे, खुद को बसुरा रे बोल रहा है ना, बोनी बोनी भी तो सुंदर है, अरे वाह बोनी बहुत सुंदर है। क्या करेगा आजकल से बसुरत लोग को कोई लड़का ही नहीं देखते, क्या करें, बहुत दुख लगता है, गालियां हो गया पढ़ाई नहीं करता, वीडियो कर रहा था सर। आलू कमेंट करके बताना मेरा प्यारी से भांजे बसुरत है ना खराब है, मैं तो बोलता हूँ बहुत सुंदर है वो, लेकिन खुद को वो बहुत बसुरत बोल रहा, बहुत टेस्टी है लेकिन सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग कच्चा पपीता खा रहे हैं, और जो मतलब पीछे हो चुका है उसको अभी फिर से धाग रहे हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर से धाग रहे हैं, फिर से गुरु दोनों देखिए दोस्तों मतलब कितना सुंदर से फिर से धाग दे रहे हैं, जो सूखा है उसका ऊपर से अभी ले जाएगा, क्योंकि साइड साइड से धक जाएगा तब पूरा धक जाएगा, देख सकते हैं पूरा दीदी लोग उतना दूर पे है, और यहाँ आज सुबह से पूरा अभी उतना दूर चला गया है, और अभी वैसे भी ख़त्म होने वाला है, बस दो बस्ता बाकी है, अभी फिर से मैं बीजन लेने जा रहा हूँ, अभी बस ये दो ही बचा है, ये दो टुकड़ी बचा है, मतलब दो बस्ता बचा है, और ये दो बस्ता ख़त्म होने के बाद ही हमें छुट्टी मिलेगा, और भूख भी बहुत ख़राब से लग गया, लेकिन अभी ये ख़त्म होने वाला है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आदमी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी मैं मतलब बीजन ले जाऊँगा इसमें। हाँ तो दोस्तों फाइनली हो गया ख़त्म, अदरक लगा के बहुत ख़राब से थक गया है, पूरा लगा के और इतना बड़ा लगाया हम लोगों ने, पूरा अभी पूरा धूप धरने वाला हो गया, भूख से पूरा भूख से मरा जा रहे हैं सब लोग, और वहाँ दीदी लोग अभी ख़त्म हो गया, वो लोग का जो प्लास्टिक भी था, अभी यहाँ भी जो ख़त्म, बस ख़त्म, अब बस ख़त्म, अभी बहुत ख़राब से भूख भी लग गया। अरे बोहनी, बोहनी भी बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने देखा ही है बोहनी कितना मेहनत किया है। और ये मेरा माँ बड़ा माँ, और ये रहा दीदी खेती का मालिक, और ये रहा आंटी। आया दोस्तों मतलब आज बहुत मेहनत से बहुत दिल से काम किया सब लोग, और ख़त्म हो गया है फाइनली। हाँ सुबह 5 बजे से सुबह किया हम लोग ने, और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 3 बज गए, अभी 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 कम से कम भी धूप धरने वाला, 3-4 बज गया बस। आया दोस्तों मतलब आज हम दोनों मतलब यहाँ काम करके बस एक फ़ायदा हुआ है कर, मतलब दीदी लोग आंटी लोग मतलब हम दोनों का खेती में भी खोड़ने का मदद करेगा, और जल्दी भी हो जाएगा, और हम दोनों को भी धोली, हम दोनों को भी जल्दी करना है, तो वही जल्दी से जल्दी होगा कर, पूरा आंटी लोग दीदी लोग मदद करेगा धोली हम दोनों के खेती में भी, और अभी वो गुरु हर मारने वाला भैया भी ख़त्म कर देगा, धूप से बस निकले आंटी ने कितना स्वेटर पहन के रखा है, जलन से बचा, हाँ भैया अम्मा ये तो आपका खेती खत्म हो गया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो गया दीदी, पूरा ख़त्म हो गया। तो वही दोस्तों मतलब आज का ब्लॉग बस इतना ही था, क्योंकि मतलब लगा नहीं था, और हम लोगों ने मतलब कंप्लीट भी कर लिया लगा के, बस वो से थोड़ा सा बच गया है, हर नहीं मरा है, क्योंकि मतलब बीजन ख़त्म हो गया है, तो मिलते हैं अभी कर का ब्लॉग पे, कर का ब्लॉग मतलब डोली अंदर का अदरक खोटना है, तो कितना खोद सकता है देखते हैं, तो कल में देखते हैं दोस्तों।